जो लकीर आज तेजस्वी यादव ने खींची है या जो लकीर रातों रात तेजस्वी यादव को पूरे बिहार के अंदर हीरो बनकर उभार देती है, उस लकीर के खिलाफ ये लोग गए हैं। बस इसलिए क्योंकि जातिवादी और तमाम जो इस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य इनकी खुद की मानसिकता में भी है। और आज चेतन आनंद कह रहे हैं कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, दरअसल यही बात है, सबको पानी मिलेगा वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन उनके कुएं से क्यों मिलेगा, दूसरे कुएं सूखे क्यों हैं? जो दूसरों के कुएं सूखे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और अन्य वंचित तबकों के, आदिवासियों के जो कुएं सूखे हैं और ठाकुर साहब के कुएं में बहुत पानी है, जो सबको देंगे, बड़े उदार हैं, क्यों देंगे साहब? लोकतंत्र है, सबके कुएं में पानी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, विश्वास मत हासिल करना था ताकि वो सरकार चलाए रख सकें। एक ही टेन्योर में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया नीतीश कुमार ने, विश्वास मत हासिल कर लिया है, 129 विधायकों का सपोर्ट मिला है। विधानसभा में आंकड़े क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के 79 विधायक, जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक, ये कुल होते हैं 128 विधायक। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वहीं दूसरे विधायक जो महेश्वर हजारी थे वो डिप्टी चेयरमैन रहे और पूरे सेशन को उन्होंने प्रेजाइड किया, उसकी अध्यक्षता की, इस कारण से महेश्वर हजारी भी वोट नहीं डाल पाए। तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM जो है, इनके टोटल नंबर ऑफ विधायक जो हैं वो बनते हैं 126 इन दो लोगों को हटा देने के बाद, लेकिन 129 लोगों ने वोट किया नीतीश कुमार के पक्ष में, नीतीश कुमार को CM बनाए रखने के लिए। तो ये 3 विधायक कौन थे, इसी पर ये पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। ये 3 विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। पहले थे चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन, जो कि बाहुबली माने जाते हैं, उनके बेटे हैं। दूसरी थी नीलम देवी, अनंत सिंह, जो कि डॉन के नाम से फेमस है, उनकी पत्नी है। और एक थे प्रहलाद यादव। तो राष्ट्रीय जनता दल की नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव ने नीतीश कुमार के समर्थन में वोट किया, वोटिंग के जरिए 129 वोट हासिल किए नीतीश कुमार ने समर्थन में और विश्वास मत जीत लिया है। बिहार में अब जदयू, भाजपा और HAM के गठबंधन वाली सरकार रूल करेगी। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और संदीप, इन दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार की राजनीति और आने वाले लोकसभा चुनाव जो हैं उस पर बिहार की इस राजनीति का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सर, विश्वास मत, काफी बातचीत चल रही थी, काफी कुछ घटनाएं हुई, कई लोग कह रहे थे कि बिहार में खेला हो सकता है, तेजस्वी इस सरकार को पलट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि हुआ यह कि खुद राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक नीतीश के खेमे में दिखाई दिए। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि राजनीति में, खासतौर पर बिहार को केंद्र में अगर रखकर देखें, तो क्या कुछ दिख रहा है आगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज विश्वास मत बहुत आसानी से जीता और उसे रोकने का यानी मत विभाजन भी नहीं हुआ, और 3 विधायक जो RJD के थे वो भी नीतीश कुमार के साथ आए। लेकिन विश्वास मत जीतने के बावजूद देश में सबसे अविश्वसनीय नेता का अगर कोई आज चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। यानी इतनी लंबी राजनीतिक पारी के बाद अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं नीतीश बाबू। श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने 11 साल तक शासन किया, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन अगर जिस आया राम गया राम की राजनीति की बात होती, जिसका कभी हरियाणा से ताल्लुक था, आज उसको एक चेहरा ज़रूर मिल गया है, वो है नीतीश कुमार का। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने आखिर अपने पुराने गठबंधन को, यानी जो RJD के साथ गठबंधन था, उसको क्यों तोड़ा। जिस तरह से तेजस्वी ने हमला किया, जिस तरह से रोजगार का सवाल उठाया या तमाम शासन प्रशासन के मुद्दे उठाए, उसके जवाब में नीतीश कुमार सिर्फ इतना कह पाए कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, BJP के साथ जाने का कोई सैद्धांतिक आधार वो नहीं बता पाए। तो उन्होंने पहले ऐसे कहा था ना, मन नहीं लग रहा है, काम नहीं करने दे। तेजस्वी ने जो कहा, भाई मन कोई यहाँ नाच गाना तो नहीं हो रहा, आपका मन नहीं लग रहा, आज यहाँ बैठे हैं, कल वहां बैठ जाए, परसों वो सिनेमा देख लें, ये उन्होंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, अगर मन नहीं लग रहा तो आप मन को बहलाने के लिए तो बहुत से उपाय हो सकते हैं, लेकिन जो शासन चलता है, जो सरकारें बनती हैं, वो किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर बनती है। जब आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी
तो आपने कहा कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो देश को विभाजित करना चाहती है, उसके खिलाफ आप आए हैं, और इसलिए आप उस गठबंधन में जा रहे हैं जहां आरजेडी है, जहां कांग्रेस है, जहां सीपीआईएमएल यानी लेफ्ट के लोग हैं, सारे लोग मिलकर और इस देश में 2024 में मोदी जी को हराना है। और इसी के कारण उन्होंने एक प्रयास किया, इंडिया गठबंधन, जिसका बाद में अस्तित्व में आया। माना जाता है कि उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि ये जो सैद्धांतिक सूत्रीकरण आपने 2024 के पहले किया था और आपको लगता था कि देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, संविधान संकट में है, उस पूरी राजनीति से आपने अपने को अलग किया और उस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गए जिसके खिलाफ आप लगातार बोलते थे। आपने संघ मुक्त भारत का नारा दिया था। ये नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी संघ मुक्त भारत का नारा दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में एक वैचारिक राजनीति की एक लंबी पृष्ठभूमि रही, एक लंबा इतिहास रहा है, जहां पर समाजवादी आंदोलन ने और तमाम दूसरे आंदोलनों ने, खास तौर पर अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय से जुड़े जो आंदोलन है, चाहे जगदेव बाबू का काम रहा हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर का रहा हो, या बाद में जब वहाँ पर एक लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ, उसमें भी बड़ा एक लंबा इतिहास रहा है। तो लोग वहाँ जानना ज़रूर चाहते थे आज कि आखिर नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं। वो जवाब नहीं दिया, और जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी बातें मजबूती से रखी और पूरी विनम्रता से रखी, खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए किसी भी तरह का अपशब्द का इस्तेमाल न करके लगातार ये कहा कि हम इनका सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और यहाँ तक कहा कि भाई यही हमें अपना आगे उत्तराधिकारी बता रहे थे। तो दशरथ ने भी राम को राज्याभिषेक की जगह वनवास दे दिया था, तो कैकेयी का दबाव था, और आज कैकेयी कौन है? तो ये जो कैकेयी की तलाश है, ये शायद बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चर्चा का ये केंद्र बनेगा, और लोग कहेंगे कि भाई वो कैकेयी कौन है, वो चेहरा है, पार्टी है, या फिर कोई अवसर है, कोई सिद्धांत है, क्या है वो? तो तेजस्वी ने खास तौर पर आज कोई सरकार गिराने से ज्यादा उसने जो अपना नैरेटिव मैसेजिंग की बात आप कर सकते हैं, उसका असर बिहार की राजनीति पे जरूर पड़ेगा, ऐसा मुझे। चलिए, कैकेयी की बात की और तेजस्वी ने संदीप ये पूछा भी कि कैकेयी कौन है इस वनवास में, जो वनवास के तरीके से आप ट्रीट करें इसको, क्योंकि सरकार में थे तेजस्वी, अभी सरकार में नहीं रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। कैकेयी की बात खूब हो रही है, विभीषण की बात करते हैं। रामायण के प्रसंग में विभीषण का जिक्र आता है, लंका में थे वो, रावण के भाई थे, लेकिन राम के दल से जा मिले। इसी तरीके से राजद के तीन विधायक आज जदयू और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दिए। हालांकि वो तीन नहीं भी होते तो भी नंबर्स का जो खेल था, आंकड़ों का खेल, वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जीत लेती, क्योंकि 126 लोग उनके पास थे, हजारी साहब और एक जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हटा देने के बावजूद। लेकिन ये जो तीन लोग गए, चाहे वो नीलम देवी हो, चाहे वो चेतन आनंद हो, चाहे वो प्रहलाद यादव हो, ये एक मैसेजिंग है कि राजद के विधायक उस खेमे में गए क्यों? सिद्धांत तो वहां भी मिसिंग दिखता है। तो क्या सैद्धांतिक तौर पर राजद भी अपने विधायकों को बांध नहीं पाया था? देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर कोई फिट नहीं बैठ रहा है या उस विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उन दलों से जाके मिल रहा है जिसकी सोच देश के अंदर जातिवादी है, एक एजेंडे को स्थापित करने की है जिसके अंदर दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी खतरे में है। उस सोच के साथ मिलकर वो लोग उसी तरीके का भारत बनाना चाहते हैं जिस जो लकीर आज तेजस्वी यादव ने खींची है, या जो लकीर रातों रात तेजस्वी यादव को पूरे बिहार के अंदर हीरो बनकर उभार देती है, उस लकीर के खिलाफ ये लोग गए हैं। बस इसलिए क्योंकि जातिवादी और तमाम जो इस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य इनकी खुद की मानसिकता में भी, जैसे कि एक ट्वीट भी जो वायरल हो रहा है कि कुएं की गहराई बहुत है सब, ये मनोज कुमार झा ने जो कभी कविता ट्वीट किया था, ये जो मनोज कुमार झा होते हुए उन्होंने जो कुआं ठाकुर का उन्होंने कविता सदन के अंदर बोली, और इधर क्या हो रहा है, उसी सोच के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं हम जातिवादी सोच के हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी जातिवादी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना मतलब, आप सोचिए नीतीश कुमार इतने बड़े पलटू राम निकले, साथ में खड़े होकर कहते थे कि नहीं नहीं अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आज फिर वही कि अब हम इधर उधर फिर नहीं जाएंगे, अब हम जहां थे वहीं आ गए। तेजस्वी यादव की शालीनता और उनकी जो नम्रतापूर्ण भाषण है उसका आज देश मतलब वाहवाही कर रहा है, उसमें कह रहा है कि आज भी चाचा चाचा करके किस तरीके से नीतीश कुमार जी को एक सम्मान दिया और कहा है कि चाचा आप जैसे भी हो
आप जिस तरीके से भी हो, लेकिन कभी भी हमारी याद आए तो आपके दरवाजे हमारे लिए सदैव के लिए बंद नहीं है। जो चेतन सिंह है उनके लिए भी ये शब्द बोले कि आपके दरवाजे, आप कभी भी हमारी याद आए, मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं। आपको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि आपके पिताजी नेता थे, आपको टिकट इसलिए दिया था कि आप और हम युवा हैं और कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का भविष्य बदलेंगे। लेकिन इस तरीके की कोई भी राजनीति चेतन सिंह ने नहीं की, जबकि जब और बल्कि जातिवादी ट्वीट किया। सर, संदीप ने जिस ट्वीट का जिक्र किया, मनोज झा ने जब कुआं ठाकुर का वाली कविता पोस्ट की थी, लगभग उसके जवाब जैसा चेतन आनंद ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कुआं ठाकुर का है और ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। एक तरीके से वो जातिवाद जो है, वो कंडीशनिंग जो है जातिवाद की, वो इसमें दिखती है। नीतीश कुमार की सरकार जो वो राजद के साथ मिलकर चला रहे थे, कास्ट सर्वे बिहार का करवाया, जातीय जनगणना की मांग भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत मुखर रूप से उभरी। क्या आपको लगता है अब ये जो जातीय सर्वे जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते करवाया था, क्या उसकी बात पिछड़ जाएगी? और नीतीश कुमार क्या उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे ही नहीं बढ़ रहे थे? क्या ये सब कुछ दिखावे के लिए था? देखिए, नीतीश कुमार का जो पूरा अब तक का कार्यकाल है और जो उनका अंत है, उन्होंने एक बड़ी चमकदार शुरुआत की थी और एक तरह से वो मजबूरी बन गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर दूर रखना है तो फिर आरजेडी और कांग्रेस खेमा नीतीश कुमार को समर्थन करता था, और आरजेडी और कांग्रेस को दूर रखना है तो बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार का समर्थन। नीतीश कुमार के चुंबकत्व, ये चुंबकत्व नहीं, यही देखिए समय होता है, इतिहास ऐसा है कि तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो हमारी, चूंकि फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है, तो उसमें हालात ऐसे बन गए हैं, समाज में इतना ध्रुवीकरण हो गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हैं या शासन दे रहे हैं जिसके पास अपना बहुमत नहीं है, लेकिन आप किसी अपने वैचारिक विरोधी को दूर रखना चाहते हैं सत्ता से। और दोनों ही पक्ष, बीजेपी ने भी यही किया और आरजेडी ने भी यही किया। बीजेपी आज अगर समर्थन दे रही है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो तो कम है इनसे भाजपा, 45 सीटें हैं बिल्कुल, और यही आरजेडी के साथ भी था। तो लड़ाई दरअसल आरजेडी और बीजेपी की है, ये जो खेमा यानी आरजेडी कांग्रेस और वाम मोर्चे का जो खेमा है और दूसरी तरफ बीजेपी है, ये दोनों दरअसल एक दूसरे के वैचारिक दुश्मन है। नीतीश कुमार ने इस स्थिति में इस एक संतुलन, जिधर वो झुक जाते हैं उधर पहला झुक जाता है, जैसे कोई आप कई बार मतलब 100 ग्राम भी एक तरफ रख दीजिए तो वो पहला झुक जाएगा। तो नीतीश कुमार की पूरी जो यात्रा है, आज वो अपने राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में है। इसके बावजूद जो किंग मेकर तो है, लेकिन किंग मेकर नहीं है, किंग है। मेकर की बात, किंग मेकर होते हैं इसीलिए किंग भी बन जाते हैं। किंग मेकर आमतौर पर खुद किंग नहीं बनते, लेकिन ये खुद किंग बने रहते हैं, बाकी बदला करता है। आपने जो ये बात कही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू कर रहा है, और ये जो बात शुरू हुई है वो नीतीश कुमार के इधर उधर जाने से फर्क इसमें इसलिए नहीं पड़ना है कि इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, जिसका पूरे देश में एक तरह से ढांचा भी है और कार्यकर्ता भी हैं, वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खास अगर हम देखें जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने जिस तरह से जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, वो आने वाले दिनों में पीछे अब नहीं जा सकता। जो बिहार ने किया है इसी आधार पर पूरे देश में कराना पड़ेगा। ये दबाव लगातार मोदी सरकार पर रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो ये फिर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, जो कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा, जिसे टेलीविजन चैनल्स ने एकदम ब्लैकआउट कर रखा है, अखबार भी जिसके बारे में नहीं छापते, लेकिन सोशल मीडिया में ये इशू लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न अब उस चरण पर पहुंच गया है जहां इससे अब आप मुंह छिपा नहीं सकते। इसलिए जब राहुल गांधी जितनी आबादी उतने हक की बात कहते हैं और जाति जनगणना के महत्व को स्थापित करते हैं, तो नीतीश कुमार ने तो खुद कराया है, वो विरोध नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जिस बड़े पैमाने पर इस एजेंडे को राहुल गांधी उठा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी वैसे उठा रही है, तो ये तो आने वाले दिनों में एक बड़ा नैरेटिव सेट करेगा, और इसमें शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल भी पैदा हो, मुश्किल पैदा हो सकती है। कास्ट सर्वे की जो बातचीत हुई है या जातीय जनगणना की जिस मांग के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, खड़गे जिस मांग की बार बार बात करते हैं, कांग्रेस जिस मांग की बार बार बात करती है, उसको ट्रिगर पॉइंट जो मिला था वो कास्ट सर्वे जो बिहार का रिलीज हुआ था उससे मिला था। कास्ट सर्वे रिलीज करने वाले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन जो अभी दिख रहा है, जिसपे चर्चा चल रही है, उसकी शुरुआत करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे नीतीश कुमार।
अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, इंडिया के साथ नहीं है, तो एक मैसेजिंग तो होती है ना संदीप, कि जिस व्यक्ति ने कास्ट सर्वे करवाया, जो व्यक्ति ओपोजिशन यूनिटी की बात लेकर आगे चल रहा था, अभी वो आपके साथ नहीं है। तो और मैसेजिंग का खेल बड़ा प्रमुख है राजनीति में। लोग कहते हैं कि मैसेजिंग भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जाने से, नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के साथ किस तरह की मैसेजिंग होगी, उस मैसेजिंग का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज भी जब नीतीश कुमार ने पूरा भाषण दिया, उसमें कहीं भी सामाजिक न्याय की या जाति जनगणना की कोई बात थी ही नहीं। तो आप देखिए किस तरीके का डर या दबाव नीतीश कुमार पर जो भी है, लेकिन आज वो उसी एजेंडे के तहत फंस चुके हैं। आप नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर एंट्री करते हैं, जय जय श्री राम के नारों के साथ पूरा सदन एक तरीके से गूंजता है, और बार बार एक तरीके जहां नीतीश कुमार नारा नहीं लगा रहे हैं, या उनके समर्थक जो एक दो विधायक उनके साथ चलते हैं वो नारा नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक उनको घेर के नारा लगाते हैं जय श्री राम। और तो आपको नीतीश घिरे हुए दिखते हैं, नीतीश कुमार घिरे हुए दिखते हैं, जो उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक क्रांतिकारी नेता के रूप में कुछ दिनों में आपको दिखे, वो क्रांतिकारी नेता उस तरीके से नहीं। देखिए, आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की एक कतार अलग बन रही है, और ये वो कतार है जो एक 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 समय पर कंपूरी ठाकुर, काशीराम, जो इस तरह के नेता थे वो लोग लेकर चलते थे, जो कहते थे कि नहीं, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को इनका हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कही कि जो 50% का कैप है वो हटाया जाएगा, किसी और नेता की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे। वो वक्त जब पूरा देश जय श्री राम के नारे में लीन था और राम मंदिर में लीन था, उस वक्त तेजस्वी यादव वो नेता था जिसने शिक्षा की बात की, हॉस्पिटल जाने की बात की, और मंदिर का विरोध नहीं किया कि मंदिर सब जाते, लेकिन शिक्षा और हॉस्पिटल की बात करने वाला अकेला नेता था जिसका वायरल, जिसका भाषण देश के अंदर वायरल था। देखिए, किसी भी नेता के बारे में मुझे नहीं लगता आजकल आप ऐसी टिप्पणी बड़ा सेफली कर सकते हैं, क्योंकि 20-25 दिन पहले ही किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे जयंत चौधरी, और अब वो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे होंगे आपको, जाहिर है एनडीए में शामिल हो गए, आज ऐलान भी हो गया है। किसान एक तरीके से मैं किसान को वर्ग के रूप में देखता हूँ, एक क्लास, किसानों की लड़ाई लड़ना है किसान का, उसमें कई कई कास्ट, एक आप देखो जयंत चौधरी को आप जाट समुदाय से आते हो कि हाँ जाटों की लड़ाई लड़ते, जाटों की लड़ाई लड़ना और किसानों की लड़ाई लड़ना बहुत अलग है। किसान आप देखिए, पंजाब के किसान भी आते हैं, हरियाणा के किसान भी आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान आते हैं, तो किसान वर्ग की लड़ाई और जाति की लड़ाई बिल्कुल अलग है, और जाति की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर आती है। नहीं, जाटों की लड़ाई की बात की, वो भी तो खैर क्या लड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जाट खिलाड़ी जो थे वो जंतर मंतर पर बैठी रही, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के शासन में जाट नेता होने का दम्भ भरते हैं जयंत चौधरी। बिल्कुल तरीके से आपने समुदाय को भी और किसानों को भी दो, आज फिर एक बार बयान आया कि मैं इसलिए गया हूं कि जो चौधरी चरण सिंह उनको भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा मेरे लिए भावुक पल क्या होगा। अरे आप, आपके ऊपर लाठियां पड़ी, आपने, आप राकेश टिकैत रोए, आप आए यहाँ पे, आपने कहा कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की आप बात करते हैं? वो मोदी सरकार जिसकी गोद में आज आप बैठ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठकर आज जयंत चौधरी ये कह रहे हैं नहीं नहीं आज मैं जो हूं जिस तरीके से, चौधरी चरण सिंह का रूप बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये किस तरीके का, मैं कहूंगा जिस तरीके से गोदी में चरण चुंबक बना हुआ, जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक बार नीतीश कुमार वाली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो आज तेजस्वी यादव के भाषण में पूरा एक क्लिप जो निकल गया है, जो वायरल सोशल मीडिया पर काफी, उसमें कहा कि मोदी की गारंटी की बात होती है, बार बार मोदी की गारंटी की बात होती है, जो मोदी की गारंटी वाले सामने बैठे हैं ये बताएं कि मोदी सबसे पहली गारंटी ये ले कि नीतीश कुमार अब वापस नहीं जाएंगे, क्या मोदी गारंटी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्हें पता है नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम बिहार की जनता भी जान चुकी कोई है नहीं। चलिए, गारंटीज की बात चल रही है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, गारंटी शायद किसी की कुछ भी नहीं है राजनीति के अंदर। जब तक हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान होता है, नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले जाते हैं एनडीए में, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान होता है, और हम देखते हैं कि जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं वो चले जाते हैं एनडीए में, गारंटी तो किसी की नहीं है। मुलायम सिंह को तो हालांकि भारत रत्न क्या मिले, सोनिया गांधी को भारत रत्न मिले, और राहुल गांधी भी चले जाए एनडीए में, क्या आप स्थितियां देख रहे हैं? पहली बात तो भारत रत्न ये सारे लोग, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चरण सिंह हो, ये भारत रत्न है, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत रत्न को चुनावी गठजोड़ का एक जरिया बनाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप उधर भारत रत्न देते हैं और उधर किसी को अपने पाले में शामिल कर लेते हैं। ये सर शर्मनाक जरूर है, लेकिन इस तरह की स्थिति से, स्थिति ये है कि जाहिर सी बात है, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उन्होंने कहा होगा कि भाई कोई तो ऐसा तरीका हो, कोई तो ऐसी बात हो जिससे हम जनता के सामने मुंह दिखा सके, क्योंकि उनके पास कोई सैद्धांतिक बात नहीं है।
और ये भी बताता है कि दरअसल मोदी सरकार को ये विश्वास नहीं है कि राम मंदिर बन जाने के बाद या राममय जिसको वो दावा करते हैं उसके बाद उन्हें इतने वोट मिलेंगे कि वो सरकार बना लें। इसलिए बिहार के मोर्चे को उन्होंने सर करने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ वो लाए। क्या उसके पीछे शर्तें हैं, क्या दबाव है, क्या लालच है, तो भविष्य में कभी खुलेगा। और वही चीज़ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि चूंकि किसानों का भी मामला है, जाटों का भी मामला है, जाट नाराज हैं, किसान भी नाराज हैं, तो वहाँ माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल का एक प्रभाव है, तो इसे कैसे जो है जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है इससे तोड़ा जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी हताशा को दिखाता है। और दूसरी बात, जो बात थोड़ी देर पहले हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है ना, वो ठाकुर का कुआं, मनोज झा ने उसको ट्वीट किया था, और आज चेतन आनंद कह रहे हैं कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। दरअसल यही बात है, सबको पानी मिलेगा, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन उनके कुएं से क्यों मिलेगा, दूसरे कुएं सूखे क्यों हैं? जो दूसरों के कुएं सूखे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और अन्य वंचित तबकों के, आदिवासियों के जो कुएं सूखे हैं, और ठाकुर साहब के कुएं में बहुत पानी है, जो सबको देंगे, बड़े उदार हैं, क्यों देंगे साहब, लोकतंत्र है, सबके कुएं में पानी होना चाहिए। और जाति जनगणना का जो प्रश्न है वो दरअसल इसी बात को सामने रख रहा है कि तमाम कुएं सूखे हैं और कुछ कुएं में बहुत पानी है, और जाति जनगणना ने यह बात स्पष्ट की है। और राहुल गांधी जब कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो उसका मतलब यही है। और आने वाले दिनों में आप देखिए कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो अगले दसियों साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है। यह चुनाव परिणाम कुछ भी हो, यह विचार आ गया है, और इस विचार पर आने वाले दिनों में सभी पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि ठाकुर के कुएं में पानी इतना ज्यादा क्यों है और दूसरे कुएं सूखे क्यों हैं। तो यह सवाल तो उठेगा, कोई नेता जाता है, अरे भाई आप बात कर रहे हैं जाने की, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कितने लोगों को दूसरे चौथे राय बहादुर का खिताब मिल जाता था और अंग्रेजों के सामने कोर्निश करते थे। इस देश के 562 से ज्यादा रियासतें थी जिनके वंशज आज बड़ी बड़ी तलवारें दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, महल दिखाते हैं, ये सारे अंग्रेजों के चरणों में पड़े हुए थे। क्या गांधी जी की लड़ाई इससे कमजोर पड़ गई? लड़ने वाले कम लोग होते हैं, इस देश की जनता ने लड़ाई लड़ी और कुछ उन नेताओं ने जो किसी भी कीमत पे नहीं बिके, नहीं तो पेंशन लेने वाले भी थे, अंग्रेजों का साथ देने वाले आरएसएस जैसे संगठन भी थे, क्या फर्क पड़ गया? अगर मुद्दा आ गया, अगर जनता के बीच ये बात बन गई कि भारत को आजाद होना है, अगर लोगों ने यह बात समझ ली कि भारत आजादी पाकर रहेगा और उसके लिए लड़ना है, कुर्बानी देनी है, तो कितने भी छत्रप कहां चले जाते हैं, किस किस चरण में चले जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ये विचार आ गया है कि इस देश के उन सूखे कुओं में पानी होना चाहिए जिनमें नहीं है, अगर ये विचार राजनीति का केंद्रीय विचार बनेगा, तो ये फिर सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत से लोग जो कुओं के मालिक हैं वो कहां चले जाते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सूखे कुओं में पानी का मुद्दा अगर मुद्दा बन पाएगा, जिसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, जो बननी भी चाहिए, लेकिन हमें जो आज दिखा है वो ये कि विश्वास मत नीतीश कुमार ने हासिल किया है। 3 लोग जो राजद के थे उन्होंने इस विश्वास मत में नीतीश का समर्थन किया है। पत्रकारों की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नीलम देवी के पति अनंत सिंह जेल में हैं, उनसे वादा किया गया है अर्ली रिलीज का, मतलब सजा पूरी नहीं होगी उससे पहले अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये लोभ नीलम देवी को दिया गया है जिसके कारण उन्होंने समर्थन में वोट किया है। वहीं चेतन आनंद की अगर बात करें तो उनकी मां लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, उनको वैशाली या फिर शिवहर से लोकसभा टिकट देने का वादा किया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है। तो क्या जातीय जनगणना, जो कास्ट सर्वे के बाद जिसको ट्रिगर किया था नीतीश कुमार की सरकार ने जब वो राजद के साथ सरकार चला रहे थे, क्या जातीय जनगणना मुद्दा बन पाएगा, क्या बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगी, क्या किसानों का हक मुद्दा बन पाएगा, सवाल इस बात का है, या फिर तमाम विधायक, तमाम नेता, आप सब लोग जाति पर किसको क्या पद मिलता है, किस जाति को क्या पद मिलता है, इसी से आकर्षित होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। मुद्दों की राजनीति होगी तो भला होगा लोकतंत्र का, भला होगा जमहूरियत का, भला होगा आप हम सब का। और अगर जातियों की राजनीति होती रही, जातियों की राजनीति, जातीय अस्मिता की राजनीति नहीं, जातियों की राजनीति, कि किस जाति को क्या लाभ का पद मिल गया, और कुछ एक अवार्ड से अगर ऐसे ऐसे जातियों के ठेकेदार अपना पाला बदलते रहे, अपने सिद्धांतों को बदलते रहे, तो नुकसान हम सब का होगा, जमहूरियत का भी, आपका भी, हमारा भी। तो मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे, मुद्दों पर ऐसी बातचीत करने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, पसंद आया हो और ना भी पसंद आया हो कमेंट जरूर करें, हमें बताएं क्या अच्छा लगा
क्या बुरा, क्या सवाल छूट गए, किसके जवाब आपको मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।